हेलो गाइस, आइए हम डायनामिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, चूंकि जो सिलेबस है उसमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रेडियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ये सब बिल्कुल बेसिक है, तो पहले भी आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है, आइए इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस में दिया है, तो इसको जो प्रूफ किया जाता है तो वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, किसी प्लेन में अगर कोई पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को। ठीक है, देखिए, कंसिडर ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई, ठीक है, एट एनी टाइम टी इन एक्स वाई प्लेन, एंड आफ्टर डेल्टा टी टाइम इट रीचेस एट पॉइंट क्यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, कोई पॉइंट पी पर है पार्टिकल, है ना, और ये टी टाइम में है और डेल्टा टाइम के बाद वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इसका अलोंग एक्स एक्सिस वो डेल्टा एक्स होगा, और अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, डेल्टा वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसको हम लोग वी एक्स बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वाई वाले में वी वाई। ठीक है, तो वी एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, बाय डेल्टा टी, तो वो तो डेल्टा एक्स है, दिख रहा है, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, लिमिट मेरा डेल्टा टी टेंड टू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी को हम लोग एक्स डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान ये देना है आपको कि जब भी डेरिवेटिव में नीचे में डी टी रहेगा ना, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई वैल्यू निकाले हैं तो उसका सिंबल होता है ऊपर में डॉट। ठीक है, किसी और के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो ये डॉट नहीं रहेगा। डॉट का मतलब क्या होता है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी को हम लोग एक्स डॉट भी बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से हमारा वी वाई क्या हो जाएगा, वाई डॉट, तो जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, एक्स डॉट प्लस वाई डॉट हो जाएगा आई और जे के अलोंग में। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ऐसा डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर वी एक्स से थीटा एंगल बनता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, देखिए, ठीक है, एज वेलोसिटी, जैसा वेलोसिटी में डिफाइन किया गया, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज ए एक्स एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस इज ए वाई। ठीक है, तो ए एक्स का मतलब क्या होगा, चेंज इन वी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस बाई डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के चेंज से डिफाइन होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल वेलोसिटी के चेंज से। ठीक है, तो चेंज इन वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, इसको डी वी एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि डी वी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट, कैसे, देखिए, डी वी एक्स बाई डी टी और वी एक्स मेरा क्या है, वी एक्स मेरा है डी एक्स बाई डी टी, तो ये डबल ऑर्डर हो गया एक्स का, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हम लोग डबल डॉट लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ए वाई क्या आ जाएगा, डबल डॉट वाई, और इसका मैग्नीट्यूड आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इन ए प्लेन। अच्छा, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद है हम लोगों का कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है, कर्वी लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग दी कर्व इज नोन एज कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है, एक कर्व के अलोंग में जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर मोशन। देयर आर टू पैरामीटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कर्वी लीनियर मोशन। नंबर वन आर, पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, ठीक है, या इसको हम लोग रेडियल डिस्टेंस भी कहते हैं, और थीटा इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या इसको ट्रांसवर्स एंगल भी बोला जाता है। ठीक है, फिगर देख रहे हैं, मतलब इस तरह का कोई कर्व में पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये कर्वी लीनियर मोशन है। किसी पॉइंट पी पर अगर ये आर है तो ये रेडियस वेक्टर कहलाएगा, और ये इसका जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है,
किसी भी फिक्स एक्सिस से, ओके। इसको हम लोग जनरली पोल लेते हैं, है ना, इंटरसेक्शन को। ये पोल आपका ओरिजिन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। देखिए कई बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, और आएगा ही एग्जाम में आपको रेडियल, ट्रांसवर्स, ठीक है, टेंजेंशियल, नॉर्मल, ये सब आएगा आपको। बस अच्छे से समझ लेना है काफी इजी। और इसमें जो कमाल है वो है आपका फिगर, अगर आप फिगर सही सही बनाते हैं तो आपको समझने में भी इजी होगा, ठीक है। देखिए आइए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन कर्व, टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम टी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड रेडियस, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है, ओके। तो देखिए है ये आसान, क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है आपका, है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा। तो पहले से पढ़ चुके हैं ये आर होता है, ये क्या होता है, थीटा, ठीक है। तो इस आर के अलोंग में, इस आर के अलोंग में ये जो वी आर दिख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, रेडियल वेलोसिटी, और ये जो वी टी दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है, ओके। इसको वी टी और वी थीटा से भी आप डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो आर थीटा है, तो इसको अगर वी आर ले रहे हैं तो इसको हम लोग वी थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी टी फॉर ट्रांसवर्स है तो वी टी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, काफी आसान है, ठीक है। कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एज शोन इन फिगर, ठीक है। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी आर एंड वी टी, वी टी से भी, और चाहे तो आप वी थीटा से भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा बेटर वी थीटा होगा, क्योंकि आपको टेंजेंशियल भी पढ़ना है, तो टेंजेंशियल वाला को वी टी से डिनोट करते हैं, तो फिर आपका कहीं मिसमैच ना हो जाए, ठीक है। तो वी थीटा भी आप ले लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। आखिरी में बता देंगे अभी, चूंकि फिगर, फिगर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको वी थीटा ले लेते हैं, ठीक है, वी थीटा, और इसको ए थीटा, क्लियर है, ओके। तो इसको वी आर से रेडियल को, और जो मेरा ट्रांसवर्स है उसको वी थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय ए आर एंड ए थीटा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू फाइंड करना, यहां भी ठीक कर लीजिएगा, यहां पे भी इसको थीटा कर लीजिए, ठीक है, वी आर और वी थीटा नीचे में जो फिगर था, ओके। अच्छा, अब देखिए हम लोगों को फाइंड करना है वी आर और वी थीटा, ठीक है, और ए आर और ए थीटा, ठीक है। तो काफी ये जो कि इंपॉर्टेंट हो तो आपको ध्यान देना है काफी अच्छे से, ठीक है, और सिंपल आपको काम करना है ना, कि आपको जब वेलोसिटी है तो क्या करना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लेना है, और जब एक्सीलरेशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अब आप जो वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए टेंजेंशियल फाइंड, आप रेडियल फाइंड कर रहे हैं, तो आप रेडियस के अलोंग सिर्फ देखिएगा। अगर आप ट्रांसवर्स फाइंड कर रहे हैं तो आप रेडियस के परपेंडिकुलर देखिएगा। इसी तरीके से अगर आप एक्सीलरेशन पे काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान चेंज इन वेलोसिटी पर होना चाहिए। अगर रेडियल पे काम हो रहा है तो अलोंग रेडियस, और अगर ट्रांसवर्स पर काम हो रहा है तो परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। ये अगर देखने में आपको समझ में आ गया तो फिर बहुत आसान है, कोई दमखम नहीं है, ठीक है। ये फिगर आपको साफ साफ बनाना है। देखिए फिगर क्या है, फिगर जो है आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फिगर चूंकि समझना काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पर पूरा डिपेंड करेगा, और अगर आपका फिगर एग्जाम में सही बना तो फिगर देख करके भी समझ जाता है एग्जामिनर और आपको नंबर पूरा दे देगा, ठीक है। ये देखिए फिगर मेरा साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों पैरेलल है और एक डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से साफ साफ फिगर बनना चाहिए। हाँ, तो देखिए फिगर क्या कह रहा है। हाँ, कोई मेरा एक कर्व दिया हुआ है ग्रीन कलर का, ठीक है। इस कर्व पर सपोज करते हैं कि किसी टाइम में पार्टिकल पी पॉइंट पर था, ठीक है। तो पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, आर थीटा, या जानते हैं।
यहाँ आर क्या होगा, आर ये ओपी आपका, ओपी आपका आर होता है, ठीक है। और थीटा आपको दिख रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस से बनता है उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमको यहां पे चूंकि दोनों काम करना है, वेलोसिटी भी निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो हम लोग इसी फिगर में डिस्प्लेसमेंट भी दिखा दिए हैं और वेलोसिटी भी दिखा दिए हैं, ठीक है। तो पॉइंट पी पर है ना, जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो हम लोग रेडियस के अलोंग में यू मान लेते हैं, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर भी मान लेते हैं, ठीक है। यू और भी क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया एट पॉइंट पी अलोंग रेडियल और परपेंडिकुलर टू रेडियल, ठीक है। अच्छा, डेल्टा टी टाइम के बाद मान लीजिए मेरा पार्टिकल क्यू पे पहुंच जाता है, पी से क्यू पर, ठीक है। तो पी से क्यू पे पहुंच गया, क्लियर है, तो सारा मेजरमेंट मेरा पी से होगा, ध्यान दीजिएगा, ओके। क्योंकि क्यू जो है पी के बहुत क्लोज होता है ना, तो फिगर सिर्फ बड़ा बनाया गया है यहां पर, क्योंकि यहां पे जो भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह डिफाइन होगा वो पॉइंट पी पर, कि पी से डेल्टा टी टाइम में कहां गया, क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्यू बहुत क्लोज होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए फिगर थोड़ा बड़ा बनाए हैं, आप और बड़ा बना लें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट क्यू पे पहुंच गया, क्यू पे जब पहुंचेगा तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये लिखे हैं नीचे नीचे में हम, ठीक है, अभी आप बस समझिए। और डेल्टा टी टाइम लगेगा इसको पी से क्यू पहुंचने में, ठीक है। हम लोग कोई भी मेजरमेंट जब पी से क्यू का करते हैं तो क्या करते हैं, डेल्टा लगाते हैं, मतलब कि बिल्कुल स्मॉल जो पार्टिकल है मैथ में डेल्टा, डेल्टा टी टाइम, ठीक है। और ये मेरा टेंडिंग टू जीरो होता है, हम लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो डेल्टा टी टाइम में पी क्यू पे पहुंच गया, तो मान लेते हैं हम लोग कि क्यू पर अब जो वेलोसिटी है अलोंग रेडियस, यानी इसका रेडियस क्या है, देखिए इसका रेडियस अब ये बन गया ओ क्यू, तो अलोंग रेडियस इसका यू, यू से यू प्लस डेल्टा यू में चेंज कर गया, और परपेंडिकुलर इस पर परपेंडिकुलर अब देखिएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, भी से भी प्लस डेल्टा भी, पी पर भी था और क्यू पर क्या हो गया, भी प्लस डेल्टा भी, ठीक है, इतना ही बात है। अच्छा, तो अब देखिए हम लोग वेलोसिटी भी ले चुके पी पर, क्यू पर वेलोसिटी ले लिए, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट शुरू में हमको देखना है वेलोसिटी निकालने के लिए, तो देखिए पी से क्यू जब गया तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ ना, काला वाला जो लाइन है, ठीक है। तो क्यू से एम आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, डाल दिए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पी से क्यू जाने में अगर हम इस वेक्टर को रिजोल्व कर दें तो क्या आएगा, एक आएगा मेरा पी एम पी से एम, और एक क्या आएगा क्यू एम क्यू से एम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका भी दो कंपोनेंट है, एक अलोंग रेडियल यानी ओपी के तरफ, ठीक है, और एक है परपेंडिकुलर टू रेडियल यानी एम क्यू। तो जब हम रेडियल वेलोसिटी निकालेंगे तो हम रेडियल वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे अलोंग रेडियस पीएम, और जब हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालेंगे तो हम परपेंडिकुलर टू रेडियस यानी एम क्यू लेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप लोग को, बस ये काम करना है। अब आइए देखिए यहां पे थोड़ा सा लिख दिया हूं मैं यहां पे, लेट यू एंड वी आर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, अलोंग ओपी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी, ठीक है। यू जो है वो अलोंग ओपी और भी जो है परपेंडिकुलर टू ओपी एट पॉइंट पी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखना चाहिए, रेस्पेक्टिवली लिखने से सही रहता है ना, यहां पे चाहिए तो आप रेस्पेक्टिवली जोड़ दीजिए, हाँ यहां पे लेट यू एंड वी आर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग ओपी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट पी, ठीक है, एंड आफ्टर डेल्टा टी टाइम एट पॉइंट क्यू दीज वेलोसिटीज बिकम, यानी यू जो है क्या हो गया यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है, और भी क्या हो गया भी प्लस डेल्टा भी, ये हम लोग फिगर में देख चुके हैं, ठीक है, यहां पे और यहां पे। आइए इसके बाद फिर क्या, फिगर अच्छे से बनाइए, आगे फिर देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए कुछ और थ्योरी भी लिख लीजिएगा, है ना, टेक ए फिक्स्ड पॉइंट ओ
लेट पी आर थीटा बी पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, ठीक है, लेट आफ्टर डेल्टा टी टाइम दैट इज एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज क्यू आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया. देन फॉर डिस्प्लेसमेंट पी क्यू, पी एम एंड क्यू एम आर कंपोनेंट ऑफ पी क्यू, है ना, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट मेरा पी क्यू है, नेट डिस्प्लेसमेंट पी क्यू, जो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट पी क्यू है, ठीक है, इसका कंपोनेंट कौन कौन है, पी एम और क्यू एम, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है पी एम एंड क्यू एम आर कंपोनेंट ऑफ पी क्यू, ठीक है, अलोंग रेडियस वेक्टर ओपी इक्वल टू आर वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ओपी वेक्टर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये तो आपको समझा चुके. अच्छा, देन रेडियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो रेडियल वेलोसिटी होगा मेरा डेल्टा टी, जीरो को जीरो करेंगे क्योंकि पी और क्यू काफी क्लोज है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी इन टाइम डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो रेडियल निकाल रहे हैं इसलिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग रेडियल लेंगे, यानी ओपी वेक्टर, मेरा जो रेडियल है वो कौन है, लाइन, रेडियल लाइन कौन है, देखिए ये ओ पी वेक्टर, इसी को बोलते हैं रेडियल, ठीक है, टाइम डेल्टा टी में बाई डेल्टा टी, तो वो क्या है, वो है आपका पी एम, ठीक है, फिगर में देख रहे हैं कि अलोंग रेडियस जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, पी एम, ठीक है, पी से एम तक, तो पी एम बाई डेल्टा टी. अच्छा, पी एम को क्या लिख सकते हैं, पी एम को देखिए हम लिख सकते हैं ओ एम माइनस ओ पी, ठीक है, ओके, क्या लिख दिए, ओ एम माइनस ओ पी. हाँ, अब ओ एम को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो ओ से लेकर मेरा एम तक है, तो आप ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल ओ क्यू एम, तो ओ क्यू एम में देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, आपका जो ओ एम है, ठीक है, ये हो जाएगा ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये वेक्टर आपको इधर लगाना है, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, कॉस जो बीच का एंगल है डेल्टा थीटा, ठीक है, तो यही देखिए यहां पे हो गया आपका, क्या हो गया, हम लोग का हो गया ओ एम हो गया ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा, ठीक है, लिख देता हूं, देख लीजिएगा इन ट्रायंगल कौन सा मेरा ओ एम क्यू, है ना, अगर आप लगाएंगे ना कॉस डेल्टा थीटा तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ओ एम बाई ओ क्यू आएगा, तो यहां सब लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये तो काफी छोटी चीजें हैं, अब इनको इतना मतलब के छोटा छोटा काम मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी देखिएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम बचेगा, ठीक है, तो ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा, ठीक है, माइनस ओ पी, है ना, ओपी मेरा क्या है, ओपी मेरा आर है, देख चुके हैं फिगर में, और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है आपका आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है, क्योंकि हम लोग का कोऑर्डिनेट ही है ओ क्यू, क्यू जो है आर प्लस डेल्टा आर है, ठीक है ना, ये जो है मेरा, ये मेरा ओपी क्या है, ओपी है मेरा आर, ठीक है, यहां पे दिख रहा है ओपी क्या है, आर, और ओ क्यू क्या है, तो ओ क्यू है इसमें स्मॉल एक्सटेंशन आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है, ये है, तो ओ क्यू क्या ले रही है हम लोग, आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है, यहां पे जो भी काम हो रहा है मैग्नीट्यूड में हो रहा है, तो वेक्टर नहीं लगाना है आपको, क्योंकि हम लोग लिख दिए हैं कि रेडियल वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन तो इसका फिक्स हो गया, तो अब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे वेक्टर नहीं लगाएंगे, ओके. अच्छा, तो अब देखिए डेल्टा आर बाय डेल्टा टी बचा, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, तो इसको जो है कैलकुलस में क्या कहते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, इसको आर डॉट बोलेंगे, तो हमारा वी आर क्या आ गया, आर डॉट, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके. अच्छा, अब देखिए इसके बाद ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का मतलब क्या है, कि अब जो हमको काम करना है वो रेडियल के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ओके, तो इसको वी थीटा से डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू ओपी यानी परपेंडिकुलर टू रेडियल, ये मेरा रेडियल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पी से क्यू जाने में क्यू एम, ठीक है, यहां पे क्यू एम लिख दीजिए बाय डेल्टा टी, क्यू एम को फिर से क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओ एम क्यू में ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा, जैसे हम लोग कॉस डेल्टा थीटा लिखे थे, ठीक है, ये हो जाएगा ओ क्यू क्या है, आर प्लस डेल्टा आर, साइन डेल्टा थीटा को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, तो नीचे में डेल्टा थीटा मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसा इसलिए किए. अच्छा, यहां पे एक चीज हम आपको बताना शायद लगता है भूल गए ना, ये कॉस डेल्टा थीटा मेरा वन,
देखिए अगर डेल्टा टी मेरा जीरो है तो जितना भी स्मॉल इंक्रीमेंट है डेल्टा वाला, डेल्टा थीटा, डेल्टा आर, ये सब जीरो हो जाएगा। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, कॉस थीटा कितना होता है? वन होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, कि थीटा अगर जीरो हो तो कॉस वन। तो ये डेल्टा थीटा क्या है? जीरो है, इसलिए इसको वन लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर साइन में थीटा जीरो हो जाए तो क्या होता है? साइन में अगर थीटा जीरो हो जाए तो साइन थीटा बाई थीटा वन होता है, यानी ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखे हैं ताकि ये वन हो जाए। ये वन हो गया तो क्या बचा? आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि मेरा डेल्टा आर भी जीरो हो जाएगा, इसको भी आर, इसको भी जीरो रख देंगे, ठीक है। तो क्या बच रहा है? आर तो आर है, ये डेरिवेटिव बन जाएगा डी थीटा बाई डी टी, है ना, तो आर थीटा डॉट। ओके, तो मेरा जो ट्रांसवर्स है भी थीटा, वो क्या आ गया? आर थीटा डॉट। क्लियर है? ओके, अच्छा, अब आइए एक्सीलरेशन की तरफ। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, तो रेडियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए पहले आप ये निकालिए चेंज, ठीक है ना, ये निकालना है। सिंस कर देता हूं, सिंस यहां पे, सिंस पहले ये काम कर लेते हैं। डेल्टा भी आर लिखिए या डी वी आर लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। क्या होगा? पहले हम लोग देखेंगे कि रेडियल के अलोंग में मेरा वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो पहले हम रेडियल के अलोंग में चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो क्या? डेल्टा वी आर इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग ओपी वेक्टर, यानी रेडियल के अलोंग में, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो ये होगा वेलोसिटी एट क्यू माइनस वेलोसिटी एट पी, ठीक है। चेंज ऐसे ही निकाला जाता है कि फाइनली वो क्यू पे पहुंच गया, तो क्यू पे कितना वेलोसिटी है और फिर पी पर कितना वेलोसिटी था अलोंग ओपी। जब भी काम करिएगा रेडियल में तो हमेशा अलोंग ओपी देखना है आपको, और कहीं नहीं देखना, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया आपका वी क्यू माइनस वी पी, ठीक है, अलोंग ओपी, यानी क्यू का वेलोसिटी फिर पी पर वेलोसिटी अलोंग ओपी। अब आप देखिए कि क्यू पर, यानी फाइनली जो है क्यू पर ओपी के अलोंग में क्या क्या वेलोसिटी मिल रहा है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। देखिए अब यहां पे, ठीक है, फिगर क्यू पे जो वेलोसिटी है मेरा वो है यू प्लस डेल यू, ठीक है, और भी प्लस डेल भी, ठीक है, क्लियर। तो हमको रेडियल में बात करना है। रेडियल का मतलब क्या है? रेडियल ओ क्यू तो रेडियल नहीं है ना, रेडियल मेरा ओपी है, ठीक है। तो हमको ओपी के डायरेक्शन में देखना है, तो उसका तरीका देखिए क्या है। हम क्या किए थोड़ा अच्छे से देखिएगा, पहले हम इस वेक्टर को उठाए हैं, इसको भी प्लस डेल भी को, ठीक है। ये क्या है? ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसका रिजोल्यूशन हम देखना चाहते हैं कि ओपी के अलोंग में कितना होगा और ओपी के परपेंडिकुलर कितना होगा। तो हम इस वेक्टर को उठा करके देखिए यहां लेके आए, ठीक है, भी प्लस डेल भी देख रहे हैं, पैरेलल है बिल्कुल, जस्ट जैसा है वैसा उठा कर रख दिए, ठीक है। और ध्यान देना है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब इसके लाइन ऑफ एक्शन को नीचे बढ़ाइए ताकि ये यहां पे आके कट जाए, कट गया, ठीक है। अब इसका रिजोल्यूशन करना है हमको ओपी के अलोंग और परपेंडिकुलर टू ओपी, ताकि हमको रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों वैल्यू मिल जाए। तो देखिए इसका एरो ऐसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसका जो रिजोल्यूशन होगा क्या होगा? एक इस डायरेक्शन में होगा और एक आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखिए ये है डेल्टा थीटा, इस पर परपेंडिकुलर है, ये यहीं से उठाकर रखे हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस डेल्टा थीटा, ठीक है। तो इसका जो रिजोल्यूशन है इस तरफ, वो क्या हो जाएगा? वी प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा थीटा, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस है तो इधर तो कॉस होता है, तो कॉस लगाइएगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये साइन थीटा हो गया तो जो परपेंडिकुलर वाला है वो कॉस थीटा हो जाएगा, वी प्लस डेल्टा वी कॉस डेल्टा थीटा, क्लियर है, ठीक है। तो इसका तो रिजोल्यूशन हो गया, इसका काम खत्म, ठीक है। अब किसका काम बचा? अब बचा इस वेलोसिटी का, ठीक है। तो इस वेलोसिटी का भी रिजोल्यूशन करना है हमको इसके अलोंग में और इसके परपेंडिकुलर में। तो इसको देखिए हम यहां पे यहां से काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए यही मेरा है यू प्लस डेल यू, यू प्लस डेल यू, ठीक है, इसी लाइन में है, लाइन ऑफ एक्शन इसका यही है, ठीक है। तो यू प्लस डेल यू को अगर हम कंपोनेंट में बांटेंगे तो देखिए क्या होगा? रेडियल यानी इस तरफ, चूंकि डेल्टा थीटा एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यू प्लस डेल यू, यू प्लस डेल यू कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगा, देख रहे हैं ना, क्या हो जाएगा?
यू प्लस डेल यू कॉस डेल्टा थीटा, ठीक है। ये वाला जो एरो बना वो ये नीचे लिखा गया है, ठीक है, यहां पे। और इसके जो परपेंडिकुलर बनेगा, अगर इधर कॉस बना है तो इधर क्या बन जाएगा, साइन यू प्लस डेल यू साइन डेल्टा थीटा। ये फिगर अच्छे से समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, बस फिगर अच्छे से बनाना है, कॉन्फिडेंटली बनाना है, कौन किस पर परपेंडिकुलर है और किधर रिजोल्व करना है ये ध्यान देना है, ठीक है। तो रिजोल्व हमको सारा कुछ करना है ओपी और परपेंडिकुलर टू ओपी, क्योंकि रेडियल का मतलब है अलोंग ओपी, अब ट्रांसवर्स का मतलब है परपेंडिकुलर टू ओपी, क्लियर है। अच्छा अब आइए देखते हैं कि वैल्यू क्या क्या आ गया। हा तो बोला था वेलोसिटी एट क्यू, अलोंग ओपी देखना है, तो देखिए आइए देखते हैं। देखिए क्यू वाला वेलोसिटी को आइए देखिए, क्यू वाला वेलोसिटी मेरा यहां पर आया हुआ है और यहां पर आया हुआ है, ठीक है। तो अलोंग ओपी, तो देखिए ये ओपी के डायरेक्शन में है, भी इधर ही है, तो ओपी के डायरेक्शन में है, तो ये मेरा प्लस में जाएगा, ठीक है, और ये मेरा माइनस में, तो ये प्लस पूरा ये प्लस में और ये माइनस में, देखिए यही यही चीज लिखा गया है यहां पे, देखिए अच्छे से आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यू प्लस डेल यू कॉस डेल्टा थीटा माइनस भी प्लस डेल भी साइन डेल्टा थीटा, ठीक है, ये हो गया। ये क्यू पॉइंट क्यू वाला का रिजोल्यूशन कर लिए, अब बात करना है वेलोसिटी एट पॉइंट पी पर, तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी पर इस डायरेक्शन में क्या है, यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वी क्यू हो गया माइनस वी पी का हो गया यू, ठीक है, बस ये बहुत मेन लाइन है, इसको अच्छे से समझ गए तो आपका कहानी खत्म हो गया। आइए अब नेक्स्ट आगे देखिए, इधर फिर क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है। तो मेरा जो डेल्टा वी आर है वो क्या आ जाएगा, यू प्लस डेल यू कॉस डेल्टा थीटा मेरा क्या हो गया, वन, अभी बताया आपको, चूंकि लिमिट मेरा जीरो है, और साइन डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, इसलिए साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थीटा कितना होता है, वन होता है ना, साइन थीटा बाई थीटा वन होता है, हाँ, तो क्रॉस करिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन डेल्टा थीटा मेरा डेल्टा थीटा के बराबर आ जाएगा, तो कॉस डेल्टा थीटा को वन कर दिए, साइन डेल्टा थीटा को इतना लिख दिए, ठीक है, माइनस यू, तो यू और यू कट गया, क्या बच रहा है, डेल्टा यू माइनस वी डेल्टा थीटा, ठीक है। ये वाला जो प्रोडक्ट है डेल्टा वी इंटू डेल्टा थीटा ये नहीं लिखेंगे, क्यों, इसलिए कि ये भी बहुत छोटा है लगभग जीरो, ये भी बहुत छोटा है, और दो छोटा को गुना कीजिएगा तो और बहुत छोटा हो जाएगा, तो ऐसा वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरी स्मॉल मेजरिंग टेंडिंग टू जीरो, इसको हटा दीजिए, तो डेल्टा यू बचा माइनस वी डेल्टा थीटा, ठीक है। तो हम लोग का जो रेडियल एक्सीलरेशन है ए आर, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन रेडियल वेलोसिटी जो यहां पे निकाले हैं बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। इसका वैल्यू देखिए ये आ गया, पुट अप कर दीजिए, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी डेरिवेटिव बन जाएगा मेरा यू बाय डी टी, यहां पर भी मेरा कॉमन बाहर निकाल लीजिए, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर यह भी एक फॉर्मूला हो गया है ना, चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन और आगे बढ़ाते हैं, यू मेरा क्या है, तो यू जो है मेरा वो रेडियल वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग ओपी है ना, तो यू मेरा क्या है, रेडियल वेलोसिटी है, ठीक है, समझना है। यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग ना आसानी के लिए यू लिए हैं और भी लिए हैं, लेकिन इससे पहले जो आप रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाले हैं तो आप ध्यान दीजिए कि हमारा जो निकाला गया वैल्यू है रेडियल, तो रेडियल तो यही है, इसी के अलोंग में होता है, तो अगर हम इधर यू लिए हैं तो ये मेरा क्या है, रेडियल वेलोसिटी, और इसके परपेंडिकुलर में अगर हम भी लिए हैं तो ये क्या है, ये है मेरा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो मेरा यहां पर जो वी आर है रेडियल वो यू है, और जो वी थीटा है वो क्या है, वो वी है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखिए आराम से कीजिए, थोड़ा टाइम लेके कीजिए, इसको थोड़ा समझना है आपको, बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझ में आएंगी, फिजिक्स की चीजें हैं, काफी आपको मजा भी आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए वही बात मैंने लिखा है कि यू क्या है मेरा, यू है मेरा वेलोसिटी अलोंग ओपी, यानी यू मेरा रेडियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है डी आर बाई डी टी, हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी आर डॉट, तो हम यहां पे क्या करेंगे, डी बाई डी टी को अलग करके यू के जगह पे लिख दिए डी आर बाई डी टी माइनस भी, भी क्या है, भी है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी है ना, ओपी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, देखिए ये मेरा ओपी है और इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी है, ओके। तो भी परपेंडिकुलर टू ओपी यानी क्या, यानी ये आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वी थीटा, और भी थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, आर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, यानी आर थीटा डॉट, ओके। तो भी के जगह पे लिख दिए देखिए आर डी थीटा बाई
डीटी, और ये पहले से है, रहने दीजिए। क्या बन गया ये देखिए, ये आर का डबल ऑर्डर आ गया माइनस आर, ये मेरा हो गया थीटा डॉट, ये भी हो गया थीटा डॉट। इस तरीके से आपका रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया जो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। हाँ तो अभी हम लोग सारा काम क्या किए हैं, रेडियल के अलोंग, अब हमको ट्रांसवर्स में क्या करना पड़ेगा, रेडियल के परपेंडिकुलर। आइए ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसमें हमको पहले क्या निकालना होगा, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी, ठीक है काफी इजी। अब आप इसको कैसे लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप पूरा एकदम आपका फिजिक्स कुछ नहीं है और आपको फिगर पे काम करना उतना मजा नहीं आता है तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप फिगर पे काम करना सीखेंगे तो आपको ये काफी मैथ में स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। तो फिगर को अच्छे से पकड़िए। आइए फिर वही करेंगे, वेलोसिटी एट क्यू माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट पी अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी, ठीक है। तो पहले क्यू का वेलोसिटी देखिए, आइए फिर से देखते हैं, देखिए क्यू का वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम यहां पर लेके आ चुके हैं, ये वेलोसिटी को, और इस वेलोसिटी को हम यहां पे शो किए हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो आपको दिख रहा है, ये वाला है u प्लस डेल u साइन डेल्टा थीटा, जो इस पे परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है, ये रेडियल पर, ठीक है। और यहां पे हमको मिला है v प्लस डेल्टा v कॉस थीटा, जो मेरा रेडियल पे परपेंडिकुलर है। तो दोनों का डायरेक्शन एक है तो ये दोनों मेरा ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा q पर का वेलोसिटी, ठीक है। और p पर वेलोसिटी क्या है, तो p पर जो वेलोसिटी है वो है v, और ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे और माइनस इसको कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको वी क्यू माइनस वी पी करना है, ठीक है। तो वी क्यू देखिए ये दोनों ऐड हो गया, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गया, ये और ये देख रहे हैं, u प्लस डेल u साइन डेल्टा थीटा और v प्लस डेल v कॉस डेल्टा थीटा, और माइनस जो मेरा p पर पॉइंट पर था वो क्या है, वो है वी, ठीक है। अब देखिए कॉस डेल्टा थीटा फिर से वन हो जाएगा स्मॉल एंगल के लिए, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखिए भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट को इग्नोर कर देंगे, तो क्या बचेगा, u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा भी, ठीक है। तो अब मेरा ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसवर्स को हम लोग थीटा से डिनोट करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो यहां पे थीटा लिख लीजिएगा, थीटा, ठीक है, ये भी मेरा थीटा, ये भी मेरा थीटा, ठीक है। तो क्या जा रहा है बताइए, ए थीटा, इसका रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा भी थीटा बाई डेल्टा टी का, और इसका वैल्यू क्या आया है डाल दीजिए यहां पे, डालने के बाद कौन कौन सा डेरिवेटिव बनेगा, इससे बन जाएगा मेरा डी थीटा बाई डी टी, और इससे मेरा बन जाएगा डी भी बाई डी टी, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पे यू मेरा क्या है, तो डी आर बाई डी टी है, यानी आर डॉट है, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी है, तो ये हो गया आर डॉट, ये बन गया थीटा डॉट, प्लस भी मेरा क्या था, भी मेरा था आर थीटा डॉट, यही था ना, ठीक है, भी मेरा है क्या, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ओके, तो आर थीटा डॉट हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको डिफ्रेंशिएशन करना है यू इंटू भी में, ये तो वही है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो पहले आर का किए, थीटा डॉट को छोड़ दिए, प्लस फिर आर को छोड़ दिए, थीटा डॉट का कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका आ जाएगा ये आर डॉट थीटा डॉट, ये भी आर डॉट थीटा डॉट, ये आर थीटा डॉट का टी फिर से, तो थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो क्या आंसर आ जा रहा है, आर थीटा डबल डॉट, ये पहले लिखे, और इन दोनों को सम कर देंगे तो टू आर डॉट और थीटा डॉट, ठीक है। अच्छा इसका दो फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वही आएगा, यू इंटू भी में कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, टू आर आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, आर से कट जाएगा, यही आएगा, करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन भी हमारा निकल गया, ठीक है, ए थीटा। तो आप इसको अच्छे से इसको याद कर लीजिए, वी आर वी थीटा ए आर ए थीटा, और काफी आसान है, थोड़ा अगर मेहनत करेंगे, अच्छे से फिगर बनाएंगे, बिल्कुल फ्रेश होकर पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट, एक और जो हम लोगों को करना है वो है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। तो ये अलोंग रेडियल था और परपेंडिकुलर टू रेडियल, वो आपका अलोंग टेंजेंट होगा और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू।